रेड क्रॉस आमजन की सेवा में समर्पित जायसवाल नवीन कार्यालय भवन का जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। धौलपुर की प्रमुख खबर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रविवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में नवीन कार्यालय भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि आमजन की सेवा में समर्पित रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन, सफाई कर्मियों को मास्क, पीपीई किट, रक्तदान शिविरों का आयोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने एवं आमजन में जागरूकता अभियान के माध्यम से सराहनीय कार्य कर जिले की अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के माध्यम से जिले में राज्य का पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिशन जीवन रक्षक शुरू किया गया, जिसमें जिले की 5000 से अधिक बालिकाओं को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जा चुकी है। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने रेड क्रॉस सोसाइटी को भवन आवंटित किए जाने पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का आभार व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार भगवत त्यागी, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने भी संबोधित किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा प्राथमिक उपचार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष माहिर हसन रिजवी ने सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह में डॉक्टर महावीर सिंह दुबे, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर विमल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल भार्गव, नरेंद्र तोमर, विनोद अग्रवाल, जितेंद्र सिंह रजौरिया, संजय अग्रोहा, ब्रजेश मुखरैया, रंजीत दिवाकर, राजेश सिकरवार, मांगीलाल आर्य आदि मौजूद रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। पावन दिवस पर अपना कार्य हमने संचित किया, ये बहुत बड़े हमारे लिए सौभाग्य का है। रेड क्रॉस का ये आइडिया कैसे आया? मैं कोटा से हूँ, कोटा में रेड क्रॉस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, और मैं जब पढ़ता था 76-77 की बात है, तो रेड क्रॉस द्वारा संचालित ब्लड बैंक और खूब देखा करता था, और रेड क्रॉस का एक बहुत बड़ा नाम था। एक मन में उत्सुकता थी कि भाई सब जगह रेड क्रॉस है तो रेड क्रॉस है क्यों नहीं है। से 12वीं तक संचालित किया जा रहा है और वर्ल्ड ओवर इसे धौलपुर मॉडल का नाम दिया गया। जानकारी हो सकता है कि आपको इस कार्यक्रम की उतनी नहीं हो, लेकिन बकायदा इसके लिए आईपी ग्लोबल और चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड जो यूके के एनजीओ है उनके माध्यम से कोर्स कंटेंट इसका बना है, किताबें बनी है छठी के लिए, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारह, बारहवीं, जिसमें बालक और बालिकाओं को पोस्टर्स के माध्यम से, ऑडियो विजन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से बताया जा रहा है कि किशोर बालक बालिकाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसमें पोषण के बारे में, उसमें बर्थ का जो प्रोसेस है उसके बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जो बहुत सारी जो बायोलॉजिकल लीगल दूसरे आस्पेक्ट उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुरुआती हुई कुछ चुनौतियां थी हमने महसूस। राजाखेड़ा के तहसील मंदिर पर हुआ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिला कलेक्टर रहे मुख्य अतिथि। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, कस्बे के तहसील प्रांगण में स्थित प्राचीन मंदिर पर शनिवार को रामनिवास सेक्रेटरी, मंदिर पुजारी मुन्नीलाल उपाध्याय एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा शिव परिवार एवं दुर्गा माँ की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके उपलक्ष्य में रामायण पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गुरुवार को अखंड रामायण पाठ की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के परिवार को नगर भ्रमण करवाकर की गई, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ ही हवन पूजन करवाया गया एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा पट्टिका अनावरण कर दाऊजी महाराज व भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ जिला कलेक्टर के द्वारा हवन भी किया गया एवं आयोजित विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। कलेक्टर जायसवाल ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, जहां बचपन में 13 साल की उम्र तक इस मंदिर प्रांगण में खेला कूदा हूं एवं सुबह शाम पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहीं आज भगवान के मंदिर में नवीन प्रतिमाओं के अनावरण के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में इस दौरान एसडीएम देवी सिंह, तहसीलदार कृष्ण सिंह, परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष दिलीप पारासर, नायब तहसीलदार दिनेश चंद, प्रमोद शर्मा सहित अन्य भक्तगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट।
नारायण की भक्ति में ही परम आनंद, अविनाश शास्त्री, धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर के प्रतिष्ठित श्री महामाया मंदिर पर आज तृतीय दिवस की संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसापान कराते हुए आचार्य अविनाश शास्त्री ने बताया कि नारायण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है। उसकी वाणी सागर का मोती बन जाता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वासनाओं का त्याग करके ही प्रभु से मिलन संभव है। कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को बताते हुए कहा कि युद्ध के दौरान जब कर्ण की भगवान श्री कृष्ण से चर्चा हुई तो कर्ण ने कहा कि मृत्यु के बाद मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहां किसी का न हुआ हो। तो भगवान ने अपने भक्त का मान रखने के लिए कर्ण का दाह संस्कार अपने हाथों से किया। शास्त्री जी ने कहा कि जाने अनजाने में व्यक्ति से प्रतिदिन कई पाप हो जाते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। आज की आरती मुख्य यजमान श्रीमती अंजना देवी गौतम किशोर कश्यप ने परिवारी जनों के साथ की। कथा में हरिओम शास्त्री, पुजारी महामाया, पदम सिंह राणा, गोपाल मोहन कश्यप, मान सिंह, मंदिर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप, मधु पचौरी एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। हल्ला बोल जन सरोकार मंच व एबीवीपी द्वारा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए चलाया अभियान। धौलपुर की प्रमुख खबर। इस तपती भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मचकुंड रोड दद्दा जी के मंदिर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा बेजुबान के लिए घर घर जल पात्र अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी रखवाई। एबीवीपी द्वारा चलाए जा रहे ढाणी ढाणी सकोरा अभियान के तहत 11 परिंडे भी लगाए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मनु जाधव द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में इस बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। इन बेजुबानों का सहारा केवल इंसान ही है, वैसे कई सामाजिक संस्थानों के द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर, एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार दुबे ने भी अपने विचार रखे। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। जनमानस को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों का भी सहारा लिया जाएगा। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के गिरीश उपमन्यु, लोकेश राजपूत, रामकिशोर शर्मा, प्रमोद पचौरी, भूदेव शर्मा, विराट ठाकुर, सुनील जगरिया, रामसेवक राठौर व एबीवीपी नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, देवेश सेन, विष्णु भारद्वाज, रामू कुशवाहा, रोहित मोनू, कृष्णा, रवि कुमार, योगेंद्र मौजूद रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। कल 9 मई जोरघड़ी में होगा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। आंगई की प्रमुख खबर। जोरघड़ी गांव निवासी जगदीश प्रसाद प्रजापति, जो अधिशासी अभियंता केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव वापस आए हैं, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करने तथा शिव परिवार मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में कल सोमवार 9 मई से गांव में भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। भागवत प्रवक्ता वृंदावन से पधारे गोपालाचार्य जी महाराज श्री गोपाल निकुंज आश्रम श्री धाम वृंदावन रहेंगे। भागवत कथा के आयोजक जगदीश प्रसाद शर्मा एवं उनकी धर्म पत्नी महारानी देवी ने बताया कि श्री मद भागवत कथा के द्वारा हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं लोगों में भक्ति भाव का प्रचार करना चाहते हैं। कल प्रातः कलश यात्रा के साथ श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आंगई जोरघड़ी से विवियन ब्यूरो रिपोर्ट। गांव इंद्रावली मरेना में होगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। मरेना की प्रमुख खबर। इंद्रावली गांव निवासी मेवाराम बघेला एवं श्रीमती चमेली देवी के द्वारा अपने निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 9 मई को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। 9 मई को सुबह महिलाओं एवं कन्याओं के द्वारा बैंड बाजों के साथ संपूर्ण गांव की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके उपरांत कथा प्रवक्ता आचार्य मधुर कृष्ण जी महाराज द्वारा भागवत कथा प्रवचन किए जाएंगे। 9 मई से 15 मई तक भागवत कथा प्रवचन होंगे तथा 16 मई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा।